बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया और साफ तौर पर कहा है कि एक पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और होम्योपैथ, इन पर नीतीश कुमार जो है इन चिकित्सा पद्धतियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उन्हें बेवजह शराबबंदी के नाम पर परेशान किया जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, पहले आप वो सुने। साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक वेदा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिस पे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए, लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया ताकि ये तमाम प्रणालियां, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियां हैं उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर आई। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन हैं जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है, वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयां हैं, औषधियां हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी से छुपाने वाला नहीं है। और बकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, भैया क्या कारण है, क्या आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई है बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछाल कर कहीं ना कहीं होम्योपैथी की छवि को
ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दे, आप लोग भी गांव गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दे जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है, जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे, तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक पर ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा है कि जो होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं उसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर होम्योपैथिक डॉक्टरों को परेशान करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर खुद मैं भरोसा करता हूं और बिहार और देश के तमाम लोग और बड़े लोग VIPs जो हैं वो इस चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इनको परेशान कर रहे हैं और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। चिराग पासवान और उनकी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करेगी अगर सरकार नहीं मानी तो। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG News पटना।